वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो कि डायरेक्टरीज पर परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन होता है क्रिएट। देखिए, मैं शुरुआत ऐसी करूंगा कि आपने कंप्यूटर खोला और खोलने के बाद तो जाहिर सी बात है आप पहले क्रिएट ही करोगे कोई फाइल, कोई डायरेक्टरी को। तो क्रिएट एक ऐसा वो रहता है ऑप्शन जो कि आप कभी भी किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो और उसको रखने के बाद फिर उसके अंदर जो भी आप डेटा डालना चाहो चाहो। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि आप डॉट नाम से या डॉट डॉट नाम की डायरेक्टरी नहीं रख सकते। ये डॉट और डॉट डॉट नाम की डायरेक्टरी नहीं रखने का मतलब ये कि आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं, आप राइट क्लिक करें और न्यू फोल्डर पर जाएं और उस न्यू फोल्डर का नाम जो है वो डॉट रखें, वो रखने नहीं देगा आपको। ये क्या है, ये डेटा ऐसा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक शर्त होती है, आपको कम से कम डॉट नहीं रखना और डॉट डॉट भी नहीं रख सकते। दूसरा ऑपरेशन इसमें यह होता है कि डायरेक्टरी को डिलीट करने का, डिलीट, आप किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं और कोई भी एम्प्टी डायरेक्टरी है वो डिलीट की जा सकती है। इवन भरी हुई डायरेक्टरी भी कर लेते हैं हम कभी कभी, डिलीट गलती से भी हो जाती है। अब डायरेक्टरी के अंदर डॉट या डॉट डॉट जो है उसको हम एम्प्टी मानते हैं। यहाँ पे अगर डॉट या डॉट डॉट नाम का फोल्डर अगर आपको दिख रहा है तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने अगर क्रिएट कर रहे हो तो ये चीज ये है कि आपने डायरेक्टरी को क्रिएट करा और वो एम्प्टी मानी जाएगी। एम्प्टी डायरेक्टरी कौन सी होती है, डॉट वाली और डॉट डॉट वाली, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। आप इसको डिलीट करने जाएंगे तो ऑप्शन ही क्लोज कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है जो फाइल्स, जो डायरेक्टरीज, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है ओपन डायरेक्टरी। आप किसी भी डायरेक्टरी को बनाते इसलिए हो ताकि आप उसको खोलो और खोल के उसमें से जो भी डेटा है वो पढ़ सको। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ कि एक लिस्ट है फाइल्स की, डायरेक्टरी सिस्टम के अंदर बहुत सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी सारी फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइल्स रखी हुई, वो रखी काय के लिए गई, वो रखी पढ़ने के लिए गई है। जब जब आप उसको लिस्टेड प्रोग्राम्स के अंदर देखोगे तो आपको डिटेल भी दिखेगी, कब क्रिएट हुए, कब मॉडिफाई हुए, वो सब दिखेगा। आप किसी पे भी क्लिक करो, उस फाइल को एक्सेस करो और अपना काम करो। अब मान लीजिए आपने उसी डायरेक्टरी को जब आपने रीड कर रहे थे तो वो क्या थी, मेन मेमोरी के अंदर आ गई थी। अब मेन मेमोरी के अंदर जब वो पूरी डायरेक्टरी उठ के आ गई है, मतलब नाउ यू आर एक्सेसिबल टू All the files which resides in that directory. उस directory के अंदर जो भी files होंगी वो सारी की सारी आप use कर सकते हो, क्योंकि end user तो कहीं भी click कर सकता है ना। तो directory पे जैसे आपने click करा, वो उठा के main memory में आ गई, RAM में आ गई, मतलब hard disk से उठ के RAM में आ गई। जैसे आपने उस directory को close करा, आपने close करा, system shutdown नहीं हुआ भी, सिर्फ directory close करी, तो वो उठ के वापस से क्या करेगी, उठ के directory चली जाएगी आपकी hard disk के अंदर। मतलब space हमें free रखना है ना main memory का, तो जाहिर सी बात है क्लोज डायरेक्टरी ये काम करती है। पांचवें नंबर पे और छठे नंबर पे आता है लिंक एंड अनलिंक। लिंक जो है वो टेक्निक ये है कि मान लीजिए कोई सी एक फाइल है आपकी, वो एक या एक से अधिक डायरेक्टरी के अंदर जब आपको देखना चालू हो जाए, दैट इज व्हाट वी कॉल लिंकिंग। ये ऐसा सिस्टम कॉल है जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को उसके नाम से अगर स्पेसिफाई है तो उसके पाथ को दो बार दिखा सकता है। मतलब आपको कॉपी जो है वो एक जगह भी दिखेगी और वहां से क्लिक करोगे तो दूसरी जगह भी दिखेगी। इसे कहते हैं मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर उसको देखना। मैंने एक फाइल थी, वो फाइल जो थी मैंने शेयर कर दी और उसका लिंक जो है कॉपी कर दिया मैंने किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर। किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाऊंगा तो वहां पे भी वो फाइल सेम फाइल खुलेगी। अच्छा, यही सेम चीज को अगर आपको हटाना है, अनलिंक अगर लगा दिया आपने, तो क्या होगा, वो डायरेक्टरी एंट्री जो होगी वो रिमूव हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल जो है फिर एक ही जगह दिखेगी और वो फाइल सिस्टम की उस जगह से भी हट जाएगी, क्योंकि आपने उसको मल्टीपल डायरेक्टरी से हटा दिया तो उसका एक ही पाथ नेम होगा। मतलब एक फाइल का दो पाथ नेम हो सकते हैं अगर आप लिंकिंग यूज कर रहे हो, और अगर आपने जैसे लिंक हटाया तो उसका फिर इकलौता एक ही पाथ नेम बचेगा। ये कुछ ऑपरेशन है, ये बेसिक ऑपरेशन है जो कि आपके फाइल सिस्टम के अंदर जब आप डायरेक्टरीज बनाते हो तो डायरेक्टरीज के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच।